हेलो स्टूडेंट, यहाँ देखिए हम आपको क्लास 7 की ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, देखिए इसमें आपको देखना है लर्निंग आउटकम्स में देखना है नेचुरल एनवायरनमेंट, डोमेन्स और रियाल्स ऑफ अर्थ, इकोसिस्टम, ह्यूमन एनवायरनमेंट। सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन, देखिए एनवायरनमेंट क्या है। ये पर्यावरण, हमारे आसपास जो चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं वो सारी चीज़ें हमारे पर्यावरण का, हमारे एनवायरनमेंट का एक पार्ट होता है। चलिए देखिए पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखते हैं। द टर्म एनवायरनमेंट मीन्स द सराउंडिंग और लिविंग कंडीशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लिव लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, जब ये टर्म जो एनवायरनमेंट जो शब्द है इसका मतलब होता है हमारे आसपास जितने भी लिविंग कंडीशन, जितने भी लिविंग चीजें होती हैं, वो आपके ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जितने भी आपके लाइफ आपके एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमन बींग्स, सारे जो अर्थ के हैं वो सारे आपके एनवायरनमेंट में आते हैं। अब देखिए यहाँ पे इन एनवायरनमेंट को हम डिवाइड करते हैं। पहला देखिए नेचुरल, फिर यहाँ पे ह्यूमन। ऐसा पर्यावरण जो प्राकृतिक के रूप जो हमारा नेचुरली होता है, एक ऐसा पर्यावरण जो मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है। अब देखिए नेचुरल पर्यावरण को हम डिवाइड करते हैं बायोटिक एबायोटिक में। अब देखिए बायोटिक का सिर्फ बायोस्फीयर आता है, लेकिन देखिए एबायोटिक के कई होते हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर आता है। अब ये देखिए यहाँ पे नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। द नेचुरल एनवायरनमेंट कंप्राइज ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट ऑकर नेचुरली ऑन अर्थ। देखिए ये नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, एक ऐसे इसमें हमारा ये प्राकृतिक एनवायरनमेंट ऐसा चीज होता है जिसमें सारे आपके ऑल लिविंग थिंग्स भी आते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी आते हैं, और कि ये दूसरे ये आपके नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स के आपस में दूसरे से इंटरेक्शन रहते हैं, साथ उनका समय आपका समन्वय होता है, यानी एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे है नेचुरल एनवायरनमेंट में भी बायोटिक और एबायोटिक। नेचुरल एनवायरनमेंट को 2% डिवाइड करते हैं, आपने ऊपर देखा बायोटिक एबायोटिक। अब बायोटिक देखिए क्या है, बायोटिक और बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट। आपके जो बायोटिक्स जो कंपोनेंट्स होते हैं उसे हम बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स भी कहते हैं। इसमें सारे सजीव प्राणी आते हैं, जितने भी आपके लिविंग क्रिएचर होते हैं वो सारे इसमें आते हैं। एबायोटिक में क्या होता है, आपका ये फिजिकल कंपोनेंट्स है। देखिए एबायोटिक जो है जैविक है और एबायोटिक जो भौतिक है, इसमें आपके ऐसी चीजें आती है जो नॉन लिविंग होती है, इसमें आपके जैसे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर आता है। यहाँ देखिए चिपको मूवमेंट, इसके बारे में आप पहले भी सुन चुके हो कि सुंदरलाल बहुगुणा जो थे क्या इन्होंने इससे चिपको मूवमेंट के प्रेता थे, इससे ये इनके फाउंडर थे। क्या इनका ये कहते थे लोगों से कि अगर कोई पेड़ को काटने आए तो आप इसे चिपक जाओ ताकि वो लोग पेड़ को ना काट पाए, इससे क्या होगा हमारे फॉरेस्ट को सेव किया जा सकता है। अब यहाँ देखिए बेटा, यहाँ देखिए है डोमेन ऑफ रियल ऑफ अर्थ, मैंने आपके अर्थ के जो डोमेन है, जो उसके आपके जो भाग्स हैं जो डिवाइड किए गए उनका क्या है, पहला लिथोस्फीयर द सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ, हाइड्रोस्फीयर ऑल वाटर बॉडीज ऑन अर्थ, एटमोस्फेयर द एयर ब्लैंकेट अराउंड अस, बायोस्फेयर द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, ये देखिए क्या ये चारों डोमेन है आपके, लिथोस्फीयर में सारे सॉलिड चीजें आती ठोस, जैसे आपके रॉक आते हैं, माउंटेन आते हैं, प्लेटू आते हैं, हाइड्रोस्फीयर में आपके सारे सी वाटर बॉडी, सीज, ओशियंस, लेक, पॉन्ड। अब देखिए एटमोस्फेयर में आपका एक एयर जो हमारे ऊपर जो एयर का जो ब्लैंकेट है वो आता है, और बायोस्फेयर में एक ऐसा लिविंग है, एक ऐसा नैरो जोन है जहाँ पे वाटर, एयर एंड लैंड तीनों का मिश्रण होता है। अब आगे देखेंगे हम, देखिए पढ़ेंगे लिथोस्फीयर, द सॉलिड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर और स्फीयर ऑफ रॉक। देखिए जो सबसे ठोस का जो हिस्सा होता है हमारे अर्थ का वो क्या करते हैं, हम उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट ऊपरी हिस्सा जो होता है उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं, और इसे स्फीयर ऑफ रॉक भी कह सकते हैं। और देखिए इसे आपके लिथोस्फीयर में सारी जो चीजें पाई जाती हैं वो रॉक्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और आपकी थिन लेयर होती है मिट्टी की जहाँ पे हम अपने फसल उगाते हैं, खेती करते हैं, जहाँ पौधों को लगाते हैं। इट अबाउट 100 किलोमीटर थिक, ये लगभग 100 किलोमीटर मोटा होता है, और इसकी जो सरफेस होती है क्या हुआ आपकी इरेगुलर उबड़ खाबड़ होती है। देखिए आपके अर्थ की सतह है, कहीं मैदानी इलाका है तो कहीं पहाड़ी इलाका है तो कहीं पठारी इलाका है, कहीं घाटी है, चीजें हैं ना, कहीं रेगिस्तानी, सब चीजें आपकी क्या अनइवन है, कहीं बराबर जैसी आपकी जमीन नहीं है,
और देखिए उसका सबसे ऊपर का जो लिथोस्फीयर सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है वो 35 किलोमीटर थिकनेस है, ठीक है, जिसको क्रस्ट कहते हैं। हमने पढ़ा है क्रस्ट को, मेंटल कोड पढ़ा है, तो क्रस्ट की जो मोटाई है वो 35 किलोमीटर है और इसका सबसे जो नीचे उसके क्रस्ट के नीचे का जो लेयर है उसे मेंटल कहते हैं, ठीक है। और देखिए मेंटल को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अपर एंड लोअर मेंटल। आगे देखिए द लिथोस्फीयर इज द ग्रे इज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस टू अस एज प्रोवाइड फॉरेस्ट ग्रास लैंड सॉइल और ग्रो क्रॉप्स एंड लैंड ऑन विच वी लिव एंड ब्यूल्ड आवर होम्स। अब देखिए ये जो आपका लिथोस्फीयर है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस लिथोस्फीयर में ही हम रहते हैं, हम घर बनाते हैं, खेती करते हैं, हम अपने अनाज को उगाते हैं, अपने क्या है हमारे फॉरेस्ट होते हैं, ग्रास लैंड होते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस लिथोस्फीयर से ही हमें हमारे यूजफुल मिनरल्स मिलते हैं, कोल, नेचुरल गैसेस, पेट्रोलियम, आयरन वगैरह मिलते हैं। अब यहाँ देखो ये जो फिगर बना हुआ आपको दिख रहा है इसमें अर्थ का क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये कोर है, ठीक है। देखिए कोर में भी आपने इसका पहले स्ट्रक्चर पढ़ चुका है कि सबसे पहला लेयर क्रस्ट होता है, फिर उसके बीच का मेंटल, मेंटल के बाद के जो होता है कोर होता है। कोर में से चीजें जो होती है आपको लिक्विड फॉर्म में पाई जाती हैं। अब देखिए हाइड्रोस्फीयर है, देखिए हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मतलब ही होता है वाटर, हाइड्रो मतलब जहां पे भी आपको हाइड्रो दिखता है वो हाइड्रो, जो एरिया जो पूरा पानी से कवर है वो हाइड्रोस्फीयर में आता है। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट बिकॉज ए लार्ज पोर्शन ऑफ द ऑफ इट इज कवर्ड विथ वाटर। देखिए हम क्या कहते हैं अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा जो है बड़ा हिस्सा जो है आपका किसमें आता है, बाटी पानी से ढका हुआ है। द हाइड्रोस्फीयर और स्फीयर ऑफ वाटर एज ए नेम ऑफ हाइड्रोस्फीयर सजेस्ट कंप्राइज ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ वाटर, इसमें सारे जितने भी पानी के रूप है वो चाहे लेक के हो, पॉन्ड के हो, रिवर है, सीज है, ओशियंस है, स्ट्रीम है, सारे इसी में आ जाते हैं। अब देखिए आपके इसमें आप वाटर के तीनों फॉर्म्स को देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म को देखते हैं। आगे देखिए द हाइड्रोस्फीयर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वाटर सपोर्ट लाइफ इन मेनी वेज, ठीक है। आगे देखिए पहला है इट इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, इट इट हेल्प इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर। वाटर इज ऑल्सो यूज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज लाइक प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड कुकिंग। आप सभी को पता है पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए और हमारे काम हाथ में, कि पानी से विद्युत बिजली भी तैयार होती है, साथ में हमारे जो बड़े बड़े फैक्ट्री है वहाँ पे पानी की मदद से हम अपने सामानों को तैयार करते हैं, उनकी जो भी प्रोसेस होती है वो पानी के माध्यम से ही होता है। अब देखिए फार्मर्स भी पानी से सिंचाई करते हैं खेतों की। अब देखिए यहाँ पे पानी अगर नहीं होती तो यहाँ दूर दूर के जो नेविगेटर होते हैं, यानी देखिए ऐसे कॉन्टिनेंट तक जाना जिससे हमारे लिए बहुत इम्पॉसिबल था, जब पहले एयर रूट नहीं था तब भी क्या था लोग ट्रेड करते थे, उस समय सी रूट होता था, आज भी सी रूट, क्योंकि हमारे एरोप्लेन से अगर हमको कोई सामान लाना होगा कितना सामान लाएंगे हम, इसलिए हम बड़े बड़े कार्गो शिप का यूज करते हैं अधिक से अधिक सामान को लाने के लिए। और देखिए ये ओशियन क्या करते हैं, हमें तरह तरह के फूड और मिनरल्स प्रोवाइड कराते हैं, जो आप सॉल्ट खाते हो वो तो ओशियन से ही हमें मिलता है। अब देखिए आगे एटमॉस्फेयर है, ए थिन लेयर ऑफ एयर इन्वॉल्व्स द अर्थ, दिस लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। अब देखिए जो थिन लेयर होता है हमारे अर्थ का ऊपर का हिस्सा होता है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, इसमें आपके केवल गैसेस की मात्राएं होती हैं। यहाँ सबको पता है कि ये जो हेल्ड होता है हमारे क्या होता है, ये जो एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ की ग्रेविटी पावर से हमारे बहुत ही करीब कुछ ही दूरी पे स्थित होता है। और देखिए इसमें जो आपके ऑक्सीजन जो गैसेस हैं सबसे अधिक मात्रा में गैस जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और क्या होते हैं आपके कुछ और अदर गैसेस भी इसमें मिले होते हैं। देखिए नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो सबसे ज्यादा है, लगभग 78% होता है, ऑक्सीजन का 21%, बाकी जो 1% जो बचता है उसमें अदर गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है और अदर गैसेस में पाई जाती हैं। अब देखिए द एटमॉस्फेयर इज एन इम्पॉर्टेंट डोमेन ऑफ द अर्थ, ये एटमॉस्फेयर जो है हमारे अर्थ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाग माना जाता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और इस ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं, हम जो लिविंग थिंग जो भी होते हैं वो सांस लेते हैं, सर्वाइव करते हैं। और CO2 क्या करते हैं, CO2 जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो इससे खाना बनाते हैं, प्लांट क्या करते हैं CO2 की मदद से वो खाना बनाते हैं। और देखिए ये जो आपका जो एटमॉस्फेयर जो है उसमें एक ओजोन लेयर पाया जाता है जो क्या करता है हमारे सन से आने वाले हार्म आपके जो हार्मलेस जो गैस होती है, हार्मफुल जो रेज होती है
उसे वो रोकता है, यानी सन से जो आपकी अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है उसे हमारी ये एटमोसफेयर की जो एक जोन होता है जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं, एक लेयर होता है, उस लेयर से ये आपका एब्जर्ब कर लिया जाता है, जिससे क्या होता है हमारे बहुत हल्के मात्रा में सन की अल्ट्रावायलेट रेज हमारे अर्थ पहुंचती है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे अर्थ में सारे सभी को स्किन की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज जो है हमारे स्किन के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। अब देखिए बायोस्फीयर पढ़ना आपको, ए नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर द लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर मीट, एक ऐसा नैरो जोन ठीक है जो जहाँ पे लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर आपस में मिलते हैं उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। और ये बायोस्फीयर क्या होता है हमारे लिविंग एनिमल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बायोस्फीयर के बिना हम लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है इस पे नहीं रह सकते हमारे अर्थ पे। और ठीक है, यहाँ पे ये बायोस्फीयर जितने भी आपकी चीजें होती हैं, एनिमल किंगडम होते हैं, प्लांट किंगडम, सारे एक दूसरे पे एक दूसरे के साथ वो ये आपके इंटरेक्ट रहते हैं। बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ लिविंग बींग्स रेंजिंग फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म टू ह्यूज ट्रीज। अब देखिए आपके बायोस्फीयर में छोटे सूक्ष्म कीटाणु से लेके बड़े बड़े विशाल पेड़ या विशाल जानवर देखने को मिलते हैं। और देखिए इसी बायोस्फीयर से हमें क्या बायोडाइवर्सिटी दिखती है, जैव विविधता दिखाई पड़ती है हमारे बायो में क्या। और देखिए कहीं आपके देखिए कहीं वन है तो कहीं आपके रेतीली जगह होती है, जैव विविधता मतलब कि अलग अलग चीजें दिखती हैं हमें, कि सेम नहीं दिखाई पड़ता। कहीं आपके घने जंगल है तो कहीं रेगिस्तान है, कहीं आपके जो सदाबहार वन है तो कहीं आपके एकदम कटीले थ्रोनी प्लांट्स होते हैं, सब चीजें अलग अलग दिखती हैं हमें। द टू मेजर एलिमेंट्स ऑफ बायोस्फीयर आर प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, सबसे दो जो मेन एलिमेंट्स हैं हमारे बायोस्फीयर के वो प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर है। प्रोड्यूसर वो चीजें जो खुद उत्पादन करते हैं यानी वो स्वपोषी में आते हैं, और कंज्यूमर जो उन उत्पादन चीजों को खपत करता, उन्हें कंज्यूम करता, खत्म करता, उसे हम कंज्यूमर कहते हैं। जैसे प्लांट क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, लेकिन आपके एनिमल्स और ह्यूमन मींस क्या है, कंज्यूमर होते हैं। देखिए आपके जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जो होते हैं ये भी आपके क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। देखिए आपके और ये देखिए जो कंज्यूमर होते हैं वो आपके दो तरीके से होते हैं, ऑटोट्रॉप एंड हेटरोट्रॉप्स होते हैं। एक तो देखिए प्लांट होते हैं जो प्रोड्यूसर होते हैं, प्लांट ये ऑटोट्रॉप होते हैं, क्या होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन क्या होते हैं। और जो आपके हेटरोट्रॉप्स होते हैं वो परपोषी होते हैं, यानी वो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। अपना भोजन सुनिश्चित मान लीजिए हमको देख लीजिए, हम ह्यूमन बींग देखिए किस लिए कैसे खाते हैं, प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, एनिमल के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो हम हेटरोट्रॉप्स। लेकिन देखिए एनिमल भी कुछ ऐसे होते हैं जो प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, कुछ प्लाजेनल जो दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ये सब क्या होता है, ये सब हमारे इंटरेक्शन में सब एक साथ मिले जुले रहते हैं। तो अब देखिए कंज्यूमर आर ऑल्सो कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स, यानी कंज्यूमर को हम हेटरोट्रॉप्स भी कहते हैं। दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम द एनवायरमेंट, वह पर्यावरण से डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से अपने भोजन ग्रहण नहीं कर पाते, वो किसी दूसरे तरीके से भोजन ग्रहण करते हैं। अब देखिए इकोसिस्टम पढ़ना है आपको, इकोसिस्टम में क्या है, द बायोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, दिस टू किंगडम आर इंटरडिपेंड्स एंड आर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फिजिकल इन्वायरमेंटल फॉर सर्वाइवल। देखिए प्लांट जो है आपके जो बायोस्फीयर में जो है उसे टू टाइप्स से डिवाइड करते हैं, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। क्या होता है, ये जो दो किंगडम है, जो साम्राज्य है पौधों का जानवरों का, एक दूसरे पे इंटरडिपेंड, एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं, क्योंकि इनकी जो फिजिकल इन्वायरमेंट जो हमारे भौतिक इन्वायरमेंट है दोनों के लिए सर्वाइवल होती है। द बायोस्फीयर इज मेड अप ऑफ सेपरेट जोन्स इन विच ईच जोन हैज इट्स ओन फिजिकल, देखिए बायोस्फीयर की जो अलग अलग सेपरेट जोन होती है, प्रत्येक जोन की जो है आपकी फिजिकल जो आपकी जो इन्वायरमेंटल होती है वो अलग अलग होती है। अब यहाँ देखिए बेटा, एलिमेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम इंटरैक्ट विद ईच अदर, ऑल द बायोटिक कंपोनेंट्स आर डिपेंडेबल ऑन ईच अदर एंड ऑल्सो इंटरैक्ट विद द एबायोटिक कंपोनेंट्स। देखिए जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं हमारे इकोसिस्टम के, क्या होते हैं, दूसरे पे निर्भर करते हैं। जितने भी आपके बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं ये दूसरे पे क्या होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स के ऊपर निर्भर। जैसे मान लीजिए एक तालाब है, तालाब क्या आपका एक एबायोटिक कंपोनेंट, जिसमें जो पौधे रहते हैं, जो मछलियां रहती हैं, जो छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, वो सब क्या करते हैं, आपके बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ये एग्जांपल है क्या, उसके साथ उसमें वाटर और सनलाइट, ये आपका एबायोटिक कंपोनेंट, ये वो भी इनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए बेटा आगे है, इनेबलिंग इकोसिस्टम देयर एग्जिस्ट ए बैलेंस और
इक्विलिब्रियम इन द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मैटर अमंग डिफरेंट कंपोनेंट्स। अब देखिए प्रत्येक जो इकोसिस्टम होता है इसमें एक बैलेंस होता है, संतुलन बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर संतुलन नहीं होता है तो क्या होता है इसकी जो एनर्जी की जो ट्रांसफर होती है वो अवरुद्ध हो जाती है। इससे क्या होता है कभी कभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। इसलिए क्या होता है हमारे इकोसिस्टम में एक बैलेंस होता है जिससे हमारे एनर्जी का और हमारे वस्तुओं का क्या होता है ट्रांसफर होता है एक दूसरे के अंदर। हम लोग डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स को एक दूसरे एडजस्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ह्यूमन इन्वायरमेंट देखिए है, ह्यूमन इन्वायरमेंट रिफर्स टू एवरीथिंग क्रिएट बाय मैन लाइक रोड्स बिल्डिंग एंड ब्रिजेस। अब देखिए ह्यूमन इन्वायरमेंट ह्यूमन के द्वारा तैयार किया गया इन्वायरमेंट, इसमें देखिए जो कृत्रिम तरीके से जो पर्यावरण बनाया जाता है उसे हम ह्यूमन इन्वायरमेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए रोड बन गया, ब्रिज बन गया, आपका क्या है बिल्डिंग सिस्टम, क्या ह्यूमन इन्वायरमेंट है। हम लोग आपका हम आर्टिफिशियल गार्डन तैयार कर देते हैं, क्या आपने जैसे उस टाइप अपने तरीके से अपने घर के अंदर हम थोड़ा बहुत पेड़ लगा लेते हैं, ये हमारी क्या होती है ह्यूमन आपकी इन्वायरमेंट होती है, हमारे द्वारा क्रिएट की जाती है, ठीक है। और देखिए कुछ ऐसे देखिए आपके काम होते हैं जैसे माइनिंग, एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये भी हमारे ह्यूमन इन्वायरमेंट में आते हैं। अब देखिए ह्यूमन देखिए पहले के समय में जो हमारे मनुष्य थे उतने डेवलप्ड नहीं थे, इसलिए क्या थी उनकी नीड्स जो थी बहुत कम थी, लेकिन जैसे जैसे वो डेवलप्ड होते गए, जैसे हमारे साइंस आगे बढ़ते गए, हमारी क्या डेवलपमेंट बढ़ती गई, हमारी क्या थी उनकी जो हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, इससे क्या हुआ हम लोगों ने तरह तरह की एक्टिविटी करना शुरू कर दी, जिससे हमारा जो प्राकृतिक इन्वायरमेंट है वो धीरे धीरे क्या उसमें हम लोगों ने हस्तक्षेप करना शुरू किया, इसमें इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया हम लोगों ने। अर्ली ह्यूमन बींग्स हैड वेरी फ्यू नीड्स एंड वेरी सिंपल लाइफ, दे वेर एबल टू फुलफिल देयर नीड्स फ्रॉम व्हाट दे अवेलेबल। पहले के जो आदि मानव थे उनकी नीड्स बहुत कम होती थी, इसलिए वो जो रहता था नेचुरल तरीके से उन्हें एडजस्ट करते थे, उन्हीं पे वो अपने को एडप्ट करते। लेकिन आज के वर्तमान समय में जो हमारे पास जो हमारी जो नीड्स इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि हम अपने नेचुरल सोर्स को भी कम पाते हैं, इसलिए कि हम तरह तरह की एक्टिविटी करके उन सोर्सेस को कृत्रिम तरीके से आगे बढ़ाते हैं। As people started making progress and the wheel was invented, surplus food was produced which was exchanged and transported. अब देखिए जैसे क्या वैसे जैसे हमारे आदिवासी डेवलप्ड होते क्या हमारे पास तरह तरह की उत्पत्ति बनी, हम लोगों ने अधिक से अधिक मात्रा में खेती करना शुरू किया, हमारे अनाज की बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ोतरी हो गई, और क्या साउथ में हमारे पास पहिए भी बन गए थे, इससे क्या तुम लोगों ने सोचा क्यों ना हम इन अनाजों का ट्रांसपोर्ट करें यहाँ से वहां ले जाएं। द इन्वेंशन ऑफ मशीन्स गेव बर्थ टू फैक्ट्रीज विच स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग गॉड्स। अब देखिए जहां मशीनों की खोज हुई इससे हमारे क्या जो चीजें बनने लगी उनकी संख्या ज्यादा बढ़ गई। दिस फैक्ट्रीज यूज रॉ मटेरियल एंड नेचुरल रिसोर्सेज लाइक आयरन और कोल एंड फ्यूल्स विच स्टार्टेड डिप्लेटिंग स्लोली। अब देखिए क्या फैक्ट्रीज की जब काम ज्यादा बढ़ा तो उनमें रॉ मटेरियल ज्यादा खपत होने से क्या होता है उनकी जो एनर्जी जहाँ से मिलती थी मशीनों को वो भी धीरे धीरे खत्म होने से कोयला आयरन आपके पेट्रोलियम आयरन होने से क्या था। अब देखिए इसलिए कहा जाता है कि आज देखिए कि जब इनकी मात्रा ज्यादा खपत होने लगी तो इसका जो प्रोसेस था बनने का वो धीरे धीरे स्लो होता है। मान लीजिए कि आप सभी ने पढ़ा होगा कई हजार सालों में कोयले की खान तैयार होती है, तो अगर इसकी खपत ज्यादा होती थी तो क्या बीच में इसकी एकदम सी लैक हो गई थी, कमी आ गई थी। लेकिन क्या अब देखिए हमारी गवर्नमेंट भी जागरूक है, अवेयर है कि अधिक से अधिक मात्रा में सोलर एनर्जी का यूज करें, ऐसी एनर्जी का यूज करें जो रिन्यूएबल है ना कि नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। आगे देखिए कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, माइनिंग, आप देखिए ट्रांसपोर्टेशन एंड ओवर पॉपुलेशन आर एडवर्सली अफेक्टिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट। ये चीजें क्या होती है हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा क्या करती है प्रभावित करती हैं। द चेंज आर टेकिंग प्लेस टू सो रैपिडली द नेचर इज नॉट एबल टू रिपेयर द डैमेज। लेकिन इतनी तेज गति से की चेंजिंग होती है कि हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट उसे रिपेयर नहीं कर पाता, क्योंकि उसे रिपेयर करने में कुछ समय लगता है, क्योंकि जो समय हमारे प्रकृति को नहीं मिल पाता। ग्लोबल वार्मिंग, एक्सटेंशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड बर्ड्स एंड पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर आर सम ऑफ द कंसिक्वेंस ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एंड कंसिक्वेंस हार्म डन द एनवायरमेंट। अब देखिए कुछ ऐसे प्रोसेस जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, आपके एक्सटेंशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, अधिक से अधिक वनों की कटाई है, एनिमल्स एंड बर्ड्स पक्षियों जानवरों का लुप्त होना होता है, और साथ में क्या है आज की जो टेक्नोलॉजी एडवांस है जो हमारी यांत्रिक जो डेवलपमेंट है सब क्या करती है हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को इफेक्टेड करती है, प्रभावित करती है, उन्हें नुकसान पहुंचाती है।
To save our environment, effort have to be made to maintain a healthy balance between human environment and natural. अब देखिए, इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा environment सेव रहे, तो क्या करते हैं, हम इसके लिए प्रयास करते हैं कि भरसक प्रयास करते हैं कि हमारे आपके जो बैलेंस होता है ह्यूमन आपके एनवायरनमेंट में और नेचुरल एनवायरनमेंट में, वो दोनों का बैलेंस संतुलन बराबर रखे। अगर जिसकी जिसकी मात्रा ज्यादा होती, मैं देखिए मान लीजिए हमने मनुष्यों ने ज्यादा हस्तक्षेप कर दिया, तो देखिए जगह 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 जो बहुत समस्या, मैंने रॉक को काट के सड़क बना दिया, देखिए तो क्या वहाँ की जो चट्टान टूट के गिरने लगती है, ठीक है, जहाँ पे देखिए लोग वैली घाटियों में उन्होंने बिल्डिंग बना दिया, कभी कस के बाढ़ आ जाती है, अरे बिल्डिंग ढह जाती है, इसमें क्या नुकसान हो जाता है, वहाँ का संतुलन बिगड़ जाता है। कि मेरा कहने का मतलब ये, जो आपने जो पढ़ा ह्यूमन इन्वायरमेंट, इसका मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं, हम मनुष्य अपने डेवलप इतने ज्यादा डेवलप हो चुके, इतने ज्यादा हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है कि हम अपने प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं, जिससे क्या होता है, हमें प्रकृति क्या करते हैं, नुकसान पहुंचता है हर वक्त, जिसका भुगतान फिर हमें ही करना पड़ता है किसी न किसी क्लाइमेटिक प्रोसेस की वजह से। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है, अब इसका आप लोग आगे फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा।